हेलो एवरीवन, सो हम एक ब्रंच के लिए आए हैं एंड वी आर गोना हैव अ स्पेशल इंटरेक्शन एंड टेल यू गाइस सम थिंग्स अबाउट आवर लाइफ व्हिच यू वांट टू नो. सो या लाइक वी आर इन ऑर्बिट मॉल मलाड एंड वी आर गोइंग टू विजिट दिस वंडरफुल प्लेस कॉल्ड बियर कैफे. सो आज लंच डेट पर आए हम लोग. So let's see what happens inside. We'll have some question answers. Yeah, I am very excited. Ab main officially, you know, I can hold his hand and walk in. Where did it go? So I can officially hold his hand and walk in places. So before it was like kind of awkward. He's not a very PDA person. So even if I held his hand, he would be like. So now I can hold his hand and say he's my husband. 100%. She's so lucky. जिसको मेरे जैसा हस्बैंड मिला है. सो एक्चुअली हर दिन हम लोगों के लिए वैलेंटाइंस डे जैसा ही हो गया है, जो हमारे लिए पहले भी होता था. जैसा मैं बताऊंगा. सो गाइज, एज आई टोल्ड यू दैट वी आर इन बियर कैफे मलाड इन ऑर्बिट. सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट इज देयर फॉर अस. सो कम इनसाइड. Actually, इनको प्रपोज तो मैं कर चुका हूँ एंड शी इज इवेंचुअली बिकम माई वाइफ. सो आई विल सिंग अ सॉन्ग फॉर हर एंड आई विल ट्राई प्रपोजिंग हर लाइक. सो यू कैन गिव इट टू मी, डोंट थ्रो इट लाइक दैट. सो आई कैन सिंग अ सॉन्ग फॉर यू. तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी जुबान में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिन में तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं. मैं अगर कहूं तुम सा हसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है मुमकिन नहीं. सो यस, माई प्रपोजल फॉर यू एंड यू ऑलरेडी बिकम माई वाइफ. सो व्हाट प्लान्स यू हैव फॉर मी लाइक. This is for you. Oh, this is for me too. Thank you. इनको तो विश्वास नहीं होता है. I am very happy and blessed that I have an amazing family. Like Rohit's family is also very nice, and so is Rohit. So I get a lot of love, and I feel happy to be married, and you know, feel very blessed. You know, लेकिन कभी कभी कम अटेंशन मिलती है तो वो मैं ले लेती हूँ. मतलब आई कॉन्स्टेंटली वॉन्ट हिज टाइम. एग्जैक्टली, शी वॉन्ट्स 25 आवर्स इन अ डे. 24 आवर्स तो मिलती है और एक घंटा शायद कम पड़ गया, वो किसी ने रखा नहीं दिन में, तो वो भी आ जाएगा तो शायद. Exactly. Because I got married, so I have no one apart from him. Exactly. It's just him and me in the house and nobody else. So, you know, so I want to constantly talk to him. Like, if he gets busy with anything, I tell him, listen, give me attention. एक सेकंड भी अगर मेरा ध्यान इधर से इधर हो जाता है तो शी वांट्स टू. या एग्जैक्टली, बिकॉज़ देन आई फील लोनली. रियली, डू यू फील लोनली? नो, देन इफ यू डू. अच्छा, एक सेकंड, एक बार, एक सेकंड, कुछ घंटे डू समथिंग एल्स, देन आई फील वेरी लोनली. ओके. फैमिली के साथ क्या होता है, यू नो, यू हैव योर फैमिली, सो यू कैन चिल, डू योर स्टफ, योर सिस्टर्स देयर, यू कैन फाइट विद हर, पुल हर हेयर, ट्रबल हर, एंड यू नो, हैव फन. सो दैट ऑल आई मिस, बट स्टिल, या. इसका एक्चुअली आंसर मैं करूँगा. हम लोग अर्जुन के सेट पे मिले थे, जैसा सबको पता है, और मैं ऑलरेडी शूट कर रहा था कुछ दो तीन दिन से. एंड शीना एक दिन आई और सबसे पहले बहुत स्वीटली, एक लंच टाइम था मुझे याद है अभी भी, और हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, तो लंच ब्रेक में कहीं ये पूछते पूछते आए कि वेयर इज़ रोहित, वेयर इज़ रोहित, और आके ये बहुत ही स्वीटली मेरे लिए लंच लेकर आई एंड वहाँ से हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई. एंड सो वहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ. कुछ चीज़ें थी जो जब शीना को पता लगा अबाउट मी, सो शी वॉज लिटिल अपसेट, बट देन इवेंचुअली एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस. आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम. सो द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम ओनली आई वॉज गेटिंग डाउन फ्रॉम माई वैनिटी, सो आई ऑलमोस्ट स्लिप्ड अ स्टेप, यू नो, सीइंग हिम. सो आई लाइक, यू नो, फर्स्ट इंस्टेंस में, यू नो, व्हेन यू लाइक समवन, एंड सो आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आई काइंड ऑफ लाइक्ड हिम बिकॉज मैंने इनको एक्चुअली उस टाइम पर उतना भाव नहीं दिया था. सो इनका एंड शी वॉज अ वेरी वेरी बिग करीना कपूर फैन एंड शी स्टिल इज, तो इसके अंदर से वो एक्चुअली गाना आया था कि ये कौन है जिसने दोबारा पलट के मुझे नहीं देखा. सो आई थिंक दैट्स ट्रू. एक्चुअली ही वाज, मतलब आई वाज वॉकिंग डाउन एंड कोई लड़का ऐसा नहीं होता, मतलब हार्डली कोई होता है जो
you know, doesn't turn and stare at me and, you know, gives me a glance and checks me out. He was the only person who just walked through me. So I kind of skipped a step. Isle bhi ki how can someone just walk through me? So I was very upset. Like, I got damn offended that what happened? Am I not looking fine or what is it? So he just like ignored me and like walked ahead. So that's when I skipped this thing that, you know, he's good looking also. I thought there's some problem with him. Why is he looking at me? Or like not even high. Like, you know, I'm not like generally you expect that, you know, if you're co-actors or, you know someone, so they'll at least say hi. It's not an expectation that they'll come and hug you. But, you know, it's like a friendly hi, like hello, hi. So he never said anything. He just walked through me. So that's when मेरा रीज़न ये है कि मैं बहुत टाइम लेता हूँ लोगों के साथ फ्रेंडली होने में एंड आई टॉक लेस हाई के बाद नाउ आई टॉक अलॉट बिकॉज नाउ आई एम सॉर्टेड एंड रिलैक्स्ड एंड दिस थिंग. तो वो एक चीज़ था जहाँ पे मैंने इसको देखा था हाई बोलना. मुझे लगा कि मिलते ही अगर सामने से हाई बाय करूँगा तो शी विल ऑल्सो यू नो काउंट मी इन वन ऑफ दोज गाइज जो आके लाइक ट्राई कर रहे हैं और हाई से लाइक दे वॉन्ट टू स्टार्ट. So, ये रीजन था एंड आई थिंक वो ही शायद चीना को पसंद आया. या एंड ही वी वर शूटिंग टुगेदर फॉर अ व्हाइल. वी डिड वन होल सीन टुगेदर एंड ही वाज विद दैट स्ट्रेट फेस एंड लुकिंग एट द स्क्रिप्ट एंड आई वाज लाइक डूड व्हाट्स विद हिम. बिकॉज शालीन ऑल्सो वॉज इन द सेम शो एंड शालीन केम एंड इंटरेक्टेड विद मी एंड स्पोक टू मी एंड ही वॉज लाइक इन द सेम लुक. सो आई टोल्ड आफ्टर द सीन गॉट ओवर आई थॉट कि चलो एटलीस्ट आई विल टॉक. सो आई स्पोक टू हिम. And what did I say? कुछ दो तीन दिन के बाद का एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ जो मुझे याद है. हम लोग शूट कर रहे थे तब तक हम लोगों की बात होना स्टार्ट हो गई थी लेकिन हाई बाई एक्चुअली होता था. तो हम लोग एक सीन शूट कर रहे थे एंड इट वॉज एन एपिसोडिक दैट शो. तो एक लड़की और थी उस शो में एंड शी हम लोग एक साथ में ही सीन कर रहे थे एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग एंड लाइक 3 डेज वी जस्ट मेट ईच अदर. आई वाज द वन हु वेंट टू हिम एंड आई सेड दैट लिसन hi and I spoke to him something about the shoot and I was like, you know, we are doing the same show, so you know, you can interact, you can say hello, hi, and you know, we can talk. So there was one more girl and jab scene chal raha tha to wo bhi do din se hamare sath shoot kar rahi thi and she came up to me jahan par Sheena bhi thi and she asked me, are you wearing real lens, ye tumhari aankhein original hai ya fir lens pehne. To maine bola yaar meri original aankhein hai ye. To jis tarah se Sheena react kar rahi thi jab us ladki ne aisa pucha तो उस लड़की को ऐसा कुछ लगा दैट शीना हैज़ फीलिंग्स फॉर मी एंड समथिंग लाइक दैट. तो शी आस्क्ड हर एंड उसने तीसरे ही दिन बोला दैट ही इज़ माई हस्बैंड. ये शायद किसी को नहीं मालूम है. 3 दिन होते ना आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि मतलब हस्बैंड तो बहुत दूर की बात है. अभी हम लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं और हाय बाय के अलावा मैंने कुछ बोला भी नहीं है एंड आई वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज कि शीना ने उसको बोला दैट ही इज़ माई हस्बैंड. अब इसने मजाक में बोला था. नहीं आई टेल यू इट वॉज जस्ट लाइक दैट गर्ल शी हैड कम टू डू अ कैरेक्टर and we were talking since a while, you know, since like a week days, around 3-4 days say 1 week no, so we were days. Talking since few days and I was interacting with him, hello hi ho raha tha normally baat as a co-actor and suddenly this girl comes and you know generally girls you know they understand if the guy is with someone but he was not with me but I just didn't want anyone to hit on him. So she was like going on, your eyes are so pretty and you know your eyes and stuff like that and I was there like whatever. So twice or thrice I told her that you know we are very good friends but I don't know, was she dumb, she didn't get the hint. Then I told her, then she was going on about his eyes for a while and then she's telling, can I touch your eyes and yes, see she said she was like so close to his face. So I said, listen, he's my husband and I was like with a straight face and I was like really pissed off because there's this guy I like, dude, who the hell are you? So I was like pissed that you know how can some girl hit on him like in this way, and especially when I like someone and generally I don't like people ever. I am a person who you know matlab lakhon mein char jan se meri banegi, you know I'm like that kind of person and I kind of liked him. So I couldn't take it that some other girl was like coming right on his face and asking him the same question. So I got damn pissed off and I said, listen, he's my husband. And then she went up to him and she asked him that you married, and I said I told that girl that she's mad. Yeah, and he said, and he just looked at the girl and you know and he tells her so she's like is she your wife? So he looks at her and he's like, she's mad. Because she was not even my girlfriend or child. Then she's saying that he's my husband. So I just have to tell her.
नॉट एट ऑल. उस टाइम पर कुछ नहीं था बिकॉज मैं जान गया था शी इज़ वेरी यंग एंड शी इज़ वेरी एक्साइटेड, तो ये शायद उस एक्साइटमेंट में भूल गई. बट धीरे धीरे जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, क्रश, सो यू नो ही थॉट दैट दिस इज अ टीनेजर क्रश एंड इट विल फेड अवे विद टाइम एंड ही इज ओल्ड एंड लाइक I was not old. So he thought he's saying mature and old, and she's like this young kid who just likes me. Exactly. So मैंने बोला मैं इतना सख्त हूँ नहीं जितनी सख्ती मैं इसको दिखा रहा था, because मुझे मालूम था कि ये कुछ ज़्यादा ही excited है, और मैं थोड़ा सा रिजर्व इंसान हूँ. सो आई वॉन्टेड टू कीप लिटिल डिस्टेंस की, ताकि हम एक दूसरे को जान सकें और ये हो. एंड चीज़ें जो आगे बढ़ी दोस्ती, जब शो हमारा ख़त्म हो गया और जब हम लोग फ्री हो गए, सो देन वी स्टार्टेड यू नो हैंगिंग आउट एंड बाहर जाकर मिलना स्टार्ट किया. तब जाके धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई एंड देन वी लाइक फाउंड आउट की आई थिंक नहीं, जब पता चला दैट शो इज एंडिंग, so you know dukh hota hai ki she was very upset the show is ending. isko lag raha tha ki shayad jaise hi show khatam ho jayega to hum logon ko time nahi milega spend karne ke liye, kyunki jab show hota hai you every day meet, spend hours, you eat lunch together, you know, you talk to each other, and anyways he was so reserved and like in his hoodie 24/7 and with the script, and like he's not like a person who will interact much that time, and now it's totally different. So now he flirts with everybody. No, you still talk. So that time he was very reserved. So when I came to know that the show is ending, I was howling and crying and upset and like really sad. And itna mujhe pura show ke band hone pe to bilkul nahi lag raha tha. Matlab kyunki show, you know, you understand ki show ki ek duration hoti hai, wo shuru hota hai. If ratings don't work or things don't work for the show, wo band ho jata hai. तो मैं रो रही थी कंटिन्यूसली. सो ही केम टू मी एंड इज लाइक व्हाई यू सो अपसेट. सो आई सेड इट्स नॉट अबाउट द शो, बट इफ आई डोंट मीट यू अगेन. सो आई थॉट कि यू नो शो खत्म हो जाएगा एंड आई नॉट मीट हिम एंड दैट फ्रेंडशिप दैट वी हैव विल फेड अवे. एंड आई प्रॉमिस यू दैट आई मेक श्योर दैट विल मीट and we'll yeah. keep this friendship and I forever. It's a lie because he generally says yeah I'll meet you, he tells everybody I'll call you, and then he doesn't call back, and then he tells his friends I'll meet you, and then he doesn't meet. So I thought it's another one of those, you know, okay I won't meet you, and I got damn sad. Yeah, that's the thing. After the show, क्योंकि हम दोनों free थे और मैं जिस तरह से काम करता हूँ, like I जैसे ही मेरा काम खत्म हो सका I take a long break to like you know सब अनलर्न करने के लिए, अपना लुक चेंज करता हूँ. देख सकते हो आप मुझे अभी, मेरा लुक जो लास्ट शो में जो लुक था और अभी जो लुक है, सो वो टाइम था मेरे पास, मुझे मालूम है फ्री था मैं, एंड शीना भी फ्री थी कुछ टाइम के लिए. सो फिर धीरे धीरे चीज़ें लाइक वी स्टार्टेड हैंगिंग आउट, बाहर जाना स्टार्ट किया, एक दूसरे को और जानना स्टार्ट किया. क्योंकि मैं बहुत रिजर्व था तो मुझे ऑब्वियसली वो लोग नहीं पसंद आते थे जो लाइक बहुत बात करते थे और जो जिनको कॉन्स्टेंट अटेंशन चाहिए. तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा. हाँ, वन पर्सन लाइक एंड दैट टू दैट वन पर्सन इज मी व्हेन दैट वन पर्सन इज विद रियली कंज्यूम्स हिज माय एनर्जी रियली कंज्यूम्स हिम अ लॉट. यूज्ड टू नाउ तो आई एम यूज्ड टू अ पर्सन हु इज एन एक्सट्रोवर्ट हु इज वेरी लाउड, हु इज वेरी वाइब्रेंट, हु इज फुल ऑफ एनर्जी, यू नो द करीना कपूर फैन, लाइक ही सेड too much energy, and someone who's very subtle and calm and composed and all. So there was like a huge difference of energies, couldn't match. So that they eventually matched. Eventually though they know. But yeah, बस उसी टाइम पे हम लोगों ने डेट ही स्टार्ट कर दी थी, ऑलमोस्ट यू कैन से कि जब हम लोग हैंग आउट करना स्टार्ट किए, वी यूज टू गो फॉर डिनर्स लंच. एंड ऑनेस्टली मैंने खुद नहीं सोचा था कि शो खत्म होने के बाद, मैंने इसको कहा था कि विल स्पेंड मोर टाइम टुगेदर, बट मुझे नहीं लगा था कि हम दोनों को एक दूसरे की इतनी आदत पड़ जाएगी कि हम लोग ऑलमोस्ट साथ में ही पूरा दिन रहना स्टार्ट करने लगे. कभी हम लंच पे होते थे, कभी डिनर पे होते थे, कभी हम बाहर जाते थे, कभी मूवी देखते थे. एक दिन तो ऐसा हम लोग की शूटिंग लास्ट डे था और हमको पता भी नहीं था, तो मैं इसको ड्रॉप करने के लिए इसके घर पे गया, घर के बाहर नीचे. सो शायद 12 बजे हमारा पैकअप हुआ था. सो इसने अपनी, इसकी मॉम का फ़ोन आ रहा था बार बार और इसने बोला उनको कि मैं डबिंग में बैठी हूँ. एंड हम लोग उनके घर की बिल्डिंग के जस्ट सामने ही बैठे हुए थे नीचे, एंड हमको पता भी नहीं चला सुबह के 7 बज गए जब लाइट आई गाड़ी के बाहर से, तो हमको दिखाई दिया क्या वो चलिए तो सुबह हो गई है. तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे हम लोग टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किए, एंड देन वी स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर लाइक मोर. And then no, things I like I always liked you. You always liked me, but I started liking you more and more. जितना मैं जानता गया. घर पे एक्चुअली मेरे बताने से पहले इसने बता दिया, क्योंकि मैंने अपनी मॉम से इसको मिलाया था. जैसा जब एग्जैक्टली what happened is I my entire family wanted to see the shoot and stuff like that.
So I was like, mom, I like someone I like. And I'm very open about my, like, if I like someone and stuff like that, because there is no one that I ever liked. And I told my parents that, you know, I'm serious about someone and stuff like that. So I just like told my parents that, okay, shoot pe aap aao. Then when everyone came, my dadi had come, or many people had come, lot of people had come. So I told my dad, how's he? Nice. Then my dad is like, then Rohit ne sabse pehle unke paav chuye, jo humme culture nahi hai. Jo inka culture nahi hai, aur main actually Jaipur se hu, to wahan par jisko bhi aap bade ko milte ho, so aap log unke na paav chhute ho and all. So wo deliberate nahi tha ki unke ghar walon ko patane ke liye kya, lekin kyunki wo bade the to I touch their feet. एंड शायद उनको वो चीज़ अच्छी लग गई. मेरी मॉम को मैंने नहीं बताया था, मेरी मॉम को मैंने शीना से मिलवाया था कि शीना मेरी फ्रेंड है, और इसने मॉम को मिलते ही बोला कि मेरे को 6 महीने में शादी करनी. लाइक हर बार कुछ ना कुछ शौक देती थी ये. 3 दिन के अंदर लड़की को बोलती है कि इज़ माई हस्बैंड. मिलते ही 1 महीने 1.5 महीने बाद मेरी मॉम को बोलती है कि मेरे को 6 महीने में शादी करनी है. मुझे इसको कंट्रोल करना पड़ा कि 6 महीने में शादी नहीं, दैट यू आर वेरी यंग राइट नाउ. मुझे तो चलो ठीक है, मैं तो कर लूँगा. आई वॉज अराउंड 25 एट दैट टाइम एंड शी वॉज 19 और 20. तो मैंने बोला इतना एक्साइटेड मत हो कि 6 महीने में शादी करनी है, लेट्स गिव ईच अदर टाइम, अपने आप को टाइम दो बिकॉज यू आर वर्किंग. अभी 20 साल में कौन शादी करता है यार. आई वॉज ऑलवेज मेच्योर देन माई एज. लाइक मैं जब 25 का भी था तो भी आई यूज टू टॉक लाइक 30. तो अब तो मैं फिर भी थोड़ा बचकाना हो गया हूँ शीना के साथ रह के, मतलब बचपना हो गया. या टोटली ही वाज, ही वाज सो डल, बट आई गॉट द एनर्जी इन हिम. सो तो फिर मेरे में क्या पसंद आया उधर, दैट्स इट. तो फिर तो मेरे को वो लड़की के साथ ही जाना चाहिए था. फिर तो मुझे उस लड़की के साथ ही जाना पड़ा. इट्स आउट देयर. नो, बट आई एम वेरी, no, you know, I'm not possessive, but it's like I just don't like anybody. Like if he's mine, I just don't like the concept of anyone, you know, getting friendly with him or interacting. I just say, hey, look at this. Honestly, मैं बताऊँ, शीना शायद ही ऐसा कह रही है, और जब वो बोलती है तो definitely बोलती है that she is very possessive and this and that. लेकिन she is not. Actually, she is not, because she's, I think, maybe very confident about herself or me. क्योंकि अगर इतनी पजेसिव होती तो शायद मैं एक्चुअली काम ही नहीं कर पाता. लेकिन शीना की सबसे बड़ी खासियत अगर मैं बताऊं कि शीना से मिलने के बाद मैं 2-3 शो किए, रोमांटिक शोज भी किए, एंड एक भी सीन ऐसा एक्चुअली नहीं आया जहाँ पे शीना ने मुझे काम पर परेशान किया हो, या फिर कोई भी किसी भी लड़की के साथ रहने पर, या किसी के साथ भी. मैंने रज़िया सुल्तान में पंखुड़ी के साथ काम किया, पोरस के अंदर भी अपर्णा वॉज देयर, लाइक सो मेनी गर्ल्स वॉज देयर. लेकिन कभी इसकी तरफ से मुझे वो नहीं आया. ये बोलने पर बोलते दैट शी इज़ वेरी पजेसिव, बट आई थिंक शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हर सेल्फ एंड मी ऑल्सो. की शी इज़ वेरी चिल्ड आउट, शी वेरी चिल्ड आउट, शी टेक्स मी टू मसाज पार्लर्स. एंड कभी ऐसा नहीं होता, मुझे लगता है कि अरे यार मसाज पार्लर, वी आर हैविंग कपल मसाज, एंड इफ देयर इज अ फीमेल यू नो मैश्योर, तो भी इसको ऐसा इशू नहीं होता. मैं अपने अंदर सोचता रहता हूँ शी विल रिएक्ट, बट शी इज़ वेरी चिल्ड आउट इन दैट, लाइक रियली चिल्ड आउट. A lot of girls around him, but generally, like in the show and all, he was in Gujarat for such a long time, for 4 years, and I was here in Bombay, and he used to have all kinds of scenes jo main TV pe dekhti thi, that oh ye bhi hai, and he would not even tell me. And the best part is when I ask him, acha aisa scene tha, so you know his best answer is, it was a scene like other scenes are there, it was a scene. So it's my work. So then I don't react. Romantic show every day. I can't tell her that today I'm going to do this scene or ye scene karne wala hu. In fact, Porus mein to mere scenes the, wo ladke ke sath mein bhi the. Hephaestion jo Alexander ka friend tha. तो काम तो आपका काम होता है. एंड आई थिंक इस मामले में मैं बहुत ही लकी हूँ कि शीना है जिसको मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि समझती है बचपन से शी इज़ वर्किंग, सो शी नोज की काम कैसे होता है और एक्टर्स की लाइफ कैसी होती है. तो आई थिंक शी इज़ वेरी चिल्ड आउट इन दैट वे. हाउ ही बिहेव्ड विद मी व्हेन ही मेट मी, राइट? सो दैट्स हाउ ही विल बिहेव विद अदर गर्ल्स, बट नाउ इट्स नॉट दैट मच ऑफ, ही इज़ नॉट दैट रिजर्वड. He's very friendly with all the women on set, but generally he wasn't like that before, guys. Now I'm settled, so कोई problem ही नहीं है. एंड शीना जैसे लाइफ पार्टनर हो तो फिर मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना. जब आपके मन में कुछ कपट होता है ना, कुछ ऐसी चीज होती है, तब जाके आप लोगों से दूर होते हो, बचते हो, बात नहीं करते हो. बट अब तो कोई ऐसा इशू नहीं है. लाइक आई एम वेरी फ्रेंडली विद एवरी वन. ऑनेस्टली बताऊँ, जनवरी में हमारी लास्ट मंथ शादी हुई थी, और लास्ट मंथ तो
हमारा वो पूरा मंथ ही वैलेंटाइन, हमने प्री वैलेंटाइन मंथ मनाया जिसमें हम लोगों ने शादी की और इतने सारे फंक्शंस हुए, तो अभी तक हम लोग उसके हैंगओवर से निकल नहीं पाए. सो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू गाइस टेली कि हमको आज यहाँ लेकर आए एंड वी दिस हमने ये हार्ट वाला केक काटा एंड आज से थोड़ा सा वैलेंटाइन फील शुरू हो रहा है. सो आफ्टर दिस इंटरव्यू मे बी विल गो फॉर शॉपिंग. यू वांट टू शॉप? नो, नॉट एट ऑल. पैसे वाइफ है जो ज्यादा पैसे खर्च नहीं कराती है. कभी कभी तो मुझे लगता है कि यार कुछ तो पैसे खर्च करने दो, तो ये कुछ कुछ नहीं करने देती है. नहीं, मैंने इनसे किया. मैं एक्चुअली बहुत खर्चा करने वाला हूँ और पहले तो मैं बहुत ज़्यादा था. आई यूज टू स्पेंड यू नो सो मच मनी ऑन परफ्यूम्स, कैप्स, शूज, बहुत सारी चीज़ों में. लेकिन शिंगा से मिलने के बाद आई थिंक मैं खुद भी थोड़ा सा आई मेड श्योर ही डजंट बाय द सेम टी-शर्ट इन फाइव कलर्स. या एंड द सेम लाइक इफ ही लाइक्स अ बॉडी वॉश, इफ ही लाइक्स द स्मेल ऑफ वन, सो इफ देयर आर एट कैप्स, इफ ही इज कंफ्यूज्ड एज अ बैचलर ही कैन बाय ऑल एट. But after getting married, he has to buy only one. अब मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये सब काम शीना का होता है. अब मैं इन सब में पढ़ता ही नहीं. शीना जैसा सब लोगों को पता है कि वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है और उससे कुछ आप एक्सपेक्ट जो आप करोगे वो कभी नहीं करेगी और जो एक्सपेक्ट नहीं करोगे वो हमेशा करती है. तो जैसा मैंने कहा कि मॉम को शीना ने शायद एक डेढ़ महीने में बोल दिया था आई वांट टू गेट मैरिड टू हिम इन नेक्स्ट सिक्स मंथ्स, तो मॉम भी समझ गई थी दैट शी इज़ वेरी यंग एंड शी इज़ वेरी एक्साइटेड. तो इसलिए मॉम को समझ में आ गया था. लेकिन किसी भी लड़की के लिए 20 साल की एज में ये कहना बड़ी बात होती है. एंड उसके बाद हुआ ये था कि उसके बाद मैं शो करने चला गया था उमरगांव. सो वी वर फ्रेंड्स, वी स्टार्टेड डेटिंग. लेकिन मेरी मॉम तब लकीली उस टाइम पर बॉम्बे में थी एंड माय मॉम एंड शीना यूज्ड टू स्पेंड यू नो वेरी बहुत टाइम स्पेंड करते थे साथ में. तो जैसे मम्मी के साथ भी शीना ने टाइम स्पेंड किया एंड शी गॉट रियली क्लोज टू हर. एंड तब मुझे मॉम ने बोल दिया था कि ये वो लड़की है जिससे लाइक तेरे को शादी करनी चाहिए. तो मैं संस्कारी लड़का, मैं बोला अगर मम्मी ने बोल दिया है, समझ में आ गया, तो बस फिर तो ऐसे फिर हमारी यही रिश्ते की लाइक शुरुआत थोड़ी सी और आगे बढ़ी वहाँ पे. नहीं, एक्चुअली आई एम वेरी चिल्ड आउट दैट वे. लाइक आई एम आई नो कि ही विल डू हिज वर्क एंड कम बैक होम एंड गो टू स्लीप एंड यू नो. वहाँ पे तो नेटवर्क नहीं होता था, सो वी यूज टू नॉट टॉक फॉर अ व्हाइल, सो इट वॉज नॉट लाइक आई वॉज कॉन्स्टेंटली इन टच विद हिम. एंड क्या होता है, आई एम वेरी दिस थिंग लाइक कि कभी भी ही इज ऑन हॉर्स, समटाइम्स ही इज डूइंग स्वॉर्ड फाइटिंग, समटाइम्स समथिंग, समटाइम्स समथिंग. So and especially in the sun and with so many blasts in the show that's going on and fire and water and all of that. So isliye I don't disturb him at all. I never call him ke you know I don't want ke meri wajah se kabhi koi you know phone aaye and kuch problem ho jaye. So that's why I am very chilled out. When he calls me is when I talk to him. That is the thing. Kuch aise emergency to hoti nahi hai. So like I know he's not here, so you don't disturb him at all. And she used to visit me sometimes. Shina bhi Umargaon jaati thi aur hum dono ka hi aisa hai ki like bahut maine couples ko dekha hai jab wo log kaam karte hain, so they are constantly on phones. Shot ke beech mein, scene ke beech mein unka phone aata hai aur unse jab poochte hain ki aap why are you picking up this phone abhi kaam ke time, to unko bolta hai nahi ye phone uthana bahut zaruri hai. तो मैं एक्चुअली सब कपल्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक काम ऐसी चीज़ होती है जिस पर आप फोकस करोगे तब आपका करियर बनता है, और ऐसी चीज़ होती है तो उससे बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए. लाइक आपकी जो पर्सनल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट व्हेन यू आर वर्किंग यू शुड रियली कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, और तब जाकर आपका साथ भी आगे लंबा बना रह सकता है. होता क्या ना, लोगों को इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है व्हेन यू आर ऑन वर्क, आपको कॉन्स्टेंटली कॉल्स आ रहे हैं, तो फिर ना आपका काम पर फोकस रहता है और साथ साथ वो पर्सन से भी आपको इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है. तो इस मामले में हम दोनों ही बहुत ही चिल्ड आउट हैं. जहाँ पर शीना भी काम पे होती है, वी डोंट लाइक कॉल ईच अदर व्हेन दे आर वर्किंग, वी बोथ आर वर्किंग. तो ये थोड़ा सा मेरे को लगता है कि अब हम क्योंकि शादी कर चुके हैं तो ये हम लोगों को बता सकते हैं कि यार एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे की काम की बहुत रिस्पेक्ट करो और वो स्पेस काम के लिए छोड़ दो. तो हम ऐसा करते हैं, तो मैं यही सबको सजेस्ट करना चाहूँगा कि यार काम सबसे पहले है और आपकी पर्सनल लाइफ उसके बाद है, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ तभी अच्छी रह सकती है जब आपका प्रोफेशनल लाइफ, जब आपकी बीवी बहुत अच्छी हो, जब आपका हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो. तो ये एक वो है. तो शीना आती रहती थी उमरगांव और मुझे आना, मैं हाँ
मैं बहुत कम आ पाता था बिकॉज मैं एक्चुअली थोड़ा ऐसा इंसान हूँ जो एक काम करता हूँ बिकॉज व्हेन आई नो दैट कि शीना जैसे चिल्ड आउट लड़की है तो फिर मैं भी थोड़ा सा ग्रांटेड एक्चुअली ले लेता था पहले लेकिन नाउ इफ आई विल गो आउट स्टेशन सो आई विल मेक श्योर दैट अगर मुझे ब्रेक मिले सो आई कम एंड जस्ट सी हर लेकिन उस टाइम पर ऐसे होता था कि मैं No, but now I'll come. No, but now, no, don't come. Now it's okay. So it's like the main thing is, I think, Joe previously he's been saying, I was very excited. I wasn't excited. I'll tell you the thing was that why do you keep saying I'm excited? I wasn't excited. I was just like to get married and all. And I was like a person. Who, you know, I never thought about marriage and I never thought about getting married. So, I'll tell you. So, I was very, you know, when I met him and when we started talking, I realized that, you know, he is someone who's very grounded and someone who's real. And, you know, bahut important hota hai. See, now I'm decked up for you guys. But, like, I am decked up for you guys. So, I understood this very young that first of all, dating people and stuff like that is not my cup of tea. Going out for people and wasting my time and energy and getting ready for them is not my cup of tea. So, I wanted to be with someone who accepts me the way I am. Like, even if I'm wearing a nightie and I look the worst, he never says anything. Even if... but I'm just saying. So... So I'm just saying that a person who accepts you in the worst, when you look the worst and when you're yourself and the way you eat and accepts your habits and the way you are, of course, a girl changes a zillion things to get married. So at a very, initially only when I started dating him, I knew that I have this attachment to him and he's someone I can talk to for hours and he listens at that point of time. So he's someone who listens to me. So I knew it very young when his mother asked me that she told me that he's 25 and you know all of that. So that was a hint towards it was a hint towards marriage because in their family all the guys are married very young. So and he was the last person left to be married. So his mom was hinting at marriage. So I told her ki I don't mind getting married in 6 months because I knew that maybe this is the attachment I want and he's the only person I've been with and I just knew that I want to be with him in every situation. Chahe sukh ho, chahe dukh ho. So it was like that. No, I was very sure about him and only when I was very sure is when I said ki ab 6 mahine bhi shaadi kar lo to I'm not scared of getting married very young and now also I'm very very young but still I'm married now. When I met her she was 19 and now she's 20 after 6 years. But it's been 5 years. No, I was 19 then. Ha, so right. क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एक्चुअली कंफर्टेबल हैं. वी फाइट ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत बहुत ही प्यार से रहते हैं और हम लोगों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होते. वी बिकॉज वी सी ऑन एवरीथिंग वी हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. शीना का क्या होता है ना कि मैं कुछ भी चीज़ करता हूँ तो शीना को उसके अंदर अपना एक हाथ डालना जरूरी होता है. लाइक अगर मैं कुछ कपड़े पहन रहा हूँ तो अगर मैं ड्रेस पहन रहा हूँ तो शी बिकम्स अ फैशन डिजाइनर. अगर मैं बाल कटवाने जाता हूँ शी बिकम्स अ हेयर स्टाइलिस्ट. अगर मैं कुछ भी पीआर एजेंट माय मैनेजर एवरीथिंग. तो जो भी चीज़ मैं करता हूँ तो उसको रहता है कि मैं मेरा इन्वॉल्वमेंट उसमें हो. सो फॉर माई बेटरमेंट. सी अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ फॉर माई बेटरमेंट शी इज कंटिन्यूसली इंटरप्टिंग. सो ये हम दोनों का हमेशा रहता है. बट तभी जाके मज़ा आता है यार एक रिलेशनशिप के अंदर. जब तक थोड़ा सा वो नहीं हो, खट्टा मीठा रिलेशनशिप नहीं हो, तब तक मज़ा नहीं आता. तो ये हम दोनों का, हम दोनों एक दूसरे से पोल्स अपार्ट हैं. लाइक मेरी पर्सनैलिटी इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट है लेकिन फिर भी यू आर ट्राइंग टू बी लाइक मी नाउ. सी तो हम जितना साथ में बात करने लगेंगे तो पता चल ही जाएगा. बट इट इज़ लाइक ए ड्रीम. ऑलमोस्ट एक महीना होने वाला है हम दोनों को साथ में. 20 दिन तो हो गए हैं लेकिन बिल्कुल पता नहीं लग रहा शादी से पहले का टाइम और शादी के बाद का टाइम. वी गो टू जिम टुगेदर नाउ. सो और ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि यार शादी करने के बाद अभी जिम में भी साथ में जा रही है. तब से ही मैं सोचता था कि जब शादी होगी तो हम लोग जिम भी साथ में जाएंगे. सो वी मोर लाइक फ्रेंड्स. जहाँ पर एक दूसरे की बात को हम माइंड नहीं करते. अगर हम लोगों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कभी किसी बात पर फाइट भी होती है,
तो वो एक मिनट दो मिनट तीन मिनट का एक वो होता है एक यू नो टेंशन एंड उसके बाद वापस नॉर्मल जैसे फ्रेंड्स में हो जाता है. सो इन दैट वे आई थिंक वी बोथ आर वेरी लकी कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं. लाइक छः साल साथ में हो चुके हैं. सो अभी सब कुछ अच्छे से ड्रीम के या लाइक एक्चुअली माय किसी भी लड़की का सबसे बड़ा ड्रीम होता है द वे शी गेट्स मैरिड एंड इट वाज सच अ ग्रैंड वेडिंग. इट वाज सो ब्यूटिफुल द अरेंजमेंट्स द प्लेस द एम्बियंस ऑफ द प्लेस द क्लोथ्स द आर लुक्स एंड एवरीथिंग. इट वाज लाइक अ ड्रीम वेडिंग एंड इट वॉज डन सो ब्यूटिफुली एंड इतना मज़ा आया हर किसी को जो शादी में आया था. एंड प्लस वी वर लाइक डांसिंग आर हार्ट आउट. सो इट वॉज लाइक अ वेरी यू नो लाइक आई वॉन्टेड अ रॉयल वेडिंग एंड इट वॉज सो रॉयल एंड ग्रैंड एंड नाइस दैट आई हैव वर्ड्स आर लेस टू डिस्क्राइब दैट वेडिंग. सो दैट्स वाई इट्स यू नो ये पूरा वो वैलेंटाइंस फेज ही चल रहा है कि द वेडिंग वॉज द बिगेस्ट वैलेंटाइंस गिफ्ट आई कुड गेट. एंड उसमें सबसे बड़ी एक्चुअली चीज़ हुई कि जब आप लोग छः साल से साथ में होते हो और जब आप वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रहे होते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि सब अरेंजमेंट्स देखने के चक्कर में हम लोगों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाए. कभी कभी ऐसा होता ना छोटी सी बात कोई अरेंजमेंट ठीक नहीं हुआ या कोई चीज़ जैसा आप चाहते थे क्योंकि आप सब चीज़ों को मैनेज करना चाहते हो कि सब कैसा हो रहा है बाकी सब आपके मैनेजर्स होते हैं सब चीज़ होती है. तो मुझे बहुत एक्चुअली ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो क्योंकि दो दिन तक हम लोगों की दोनों की फैमिलीज वहीं पर थी तो ये मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट किसी छोटी बात पे हो जाए और पूरी फंक्शन का मज़ा फिर ख़त्म हो जाए. लेकिन टचवुड वो पूरा टाइम भी इतने अच्छी तरीके से निकला एंड उसके बाद हम शादी के बाद शायद 10 दिन तक जयपुर में थे. एंड क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ही बड़ी फैमिली है और नॉर्थ में जो होता है ना कि सारे पूरा मोहल्ला भी आपकी फैमिली होता है तो शीना यहाँ पर फ्लैट्स में रहने वाली है बॉम्बे की लड़की है कम रिलेटिव्स होते हैं रिश्तेदार कम होते हैं. तो मुझे ये भी था कि शीना को कैसा लगेगा जब इतने सारे लोग शीना से मिलने आएंगे एंड व्हेन यू आर एक्टर सब लोग मिलने आते हैं दे कम विद अ कैमरा सेल्फी फिर फाइव अगर पांच लोग हैं तो पांच लोगों को फोटो फिर सोलो फिर सेल्फीज और वहाँ के रिश्तेदार जिन्होंने एक्टर्स इतने नहीं देखे हैं तो इतने सारे लोग शादी के बाद भी ऑलमोस्ट 50 दिन जैसी बॉम्बे में शादी होती वैसी हमारी 10 दिन तक रोज़ होती थी 50 से 100 लोग एवरी डे मिलने आते थे नई दुल्हन को. तो मुझे लगता था कि कहीं इरिटेट ना हो जाइए कहीं किसी और से कुछ तरह से बात ना कर ले बट शी मैनेज इट सो वेल और 10 दिन तक वहाँ पर भी इतने अच्छी तरीके से शीना ने मैनेज किया. मैंने सबसे ज़्यादा रिचुअल्स जो मैंने कभी देखे भी नहीं थे ना रिचुअल्स मैं इरिटेट हो जाता था कि तुम इतने रिचुअल्स क्यों निभा रही हो यार मैंने तो एक्सपेक्ट इसको हर रिचुअल को निभाना भी है और उसको एंजॉय भी करना है. सो आई एंजॉयड ऑल द फंक्शंस. इतना बड़ा ये सिंदूर लगाती थी अभी इसने धीरे धीरे इतना बड़ा लगाती थी सिंदूर पूरा चूड़ा मंगलसूत्र एवरीथिंग. देन ही टोल्ड मी नो 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 डोंट डू इट सो मच लाइक यू आर ओवर द टॉप ऑन पीपल्स फेस लाइक यू आर लाउड एंड हाउ. सो मैं नहीं चाहता था एक्चुअली कि लोग शी इज जस्ट 25 और अगर इतना वो बनकर रहेगी अगर ये 30 होती 35 होती तो समझ में आता मुझे कि यू नो ये थोड़ा सा इतना कर गए. तो मैंने इसको बोला कि यू गो टू जिम ऑल्सो लाइक थोड़ा सा उसको सब्ड्यू करो ताकि लोग ये ना बोलेंगे यार इसने शादी करके इसको लाइक क्या बना दिया. सो धीरे धीरे लाइक रियली बिग पायल इन माय फीट एंड स्टफ सो आई काइंड ऑफ कट इट डाउन अ लिटिल बिकॉज़ ही फोर्स्ड मी टू सो आई डिड. एंड मुझे बहुत मजा आया हर रिचुअल में. जैसे यू सेड योर फेवरेट रिचुअल आई विल टेल यू द थिंग वाज जब शादी हुई जिस दिन वी गॉट मैरिड आई थिंक मैं शायद 5:30 बजे से उठी थी पहले दिन टिल नेक्स्ट डे हमारी 8 बजे तक फेरे कंप्लीट हुए नेक्स्ट डे के. एंड आई वाज लाइक हंग्री स्लीप डिप्राइव्ड ज़ोन्ड आउट मतलब चक्कर आ रही थी फेरे में वैसा एंड भूख लग रही थी हद से ज़्यादा. उसके बाद जब विदाई हुई सबके आंसू फ्रीज हो रहे थे बिकॉज इतनी ठंड थी वहाँ पर इतनी ठंड थी एंड इतनी थकान के बाद आई थॉट कि यू नो नाउ आई विल गो एंड स्लीप. And when I went, I was sitting in the car. There was a ritual where the mother-in-law picks up the, not picks her up, but like takes her inside the house and फिर पूजा होती है. तो मुझे लगा शायद अंदर जाने के बाद पूजा होगी. उसके बाद इतने रीति रिवाज और थे वो मैं पैर से ही हैज़ टू बिखारो द एक थाल होती है उसमें चावल होते हैं ही हैज़ टू पुश द चावल लेफ्ट राइट सेंटर ऐसे 7 प्लेट एंड मैं उसको समेट के मुझे बिना प्लेटों की आवाज़ किए उसको उठाकर अंदर जाना है. तो हमारे इतने उसके बाद भी सुबह तक देन पीपल केम टू सी अस यू नो वो क्या बोलते हैं उसको सज रही गली तेरी अम्मा या सो ऑल दोस पीपल ऑल्सो केम.
सो यू वोंट बिलीव आई वाज सो स्लीप डिप्राइव्ड एंड इतने फंक्शंस हुए इतने फंक्शंस एंड इतने रिचुअल्स पर मैंने हर रिचुअल खुशी से किया ना वाज वेरी एक्साइटेड एंड टू डू एवरीथिंग तो वहाँ पे जितने दिन हम रहे 15-20 दिन हर दिन एक बहुत सारे फंक्शंस होते थे वी वेंट टू रिलेटिव्स के भी जाना क्योंकि मेरी फैमिली बहुत बड़ी है मम्मी की तरफ की फैमिली तो कितने मामा हैं 6-6 मेरे मामा हैं लाइक 6 तो मैं कम से कम बता रहा हूँ वैसे तो आई हैव कजिन्स वगैरह मिले हैं तो 17 भी सिर्फ मामा लेकिन 6 हाउसेस आल्सो एंड वी विजिटेड अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल टेंपल्स इन जयपुर and we were wearing our bridal looks and we prayed a lot and we went to so many temples in Jaipur that was the best part I think of the trip yeah viewers ko hum yahi bolna chahenge ki throughout our wedding days jitne logon ne wo excitement dikhaya jitne logon ne wishes bheji aur the entire media hum log media ko bhi actually bahut bahut thanks karna chahenge ki jis tarah ka coverage unhone kiya aur shaadi जितने लोगों तक पहुंचाई क्योंकि जितने लोगों तक आपकी शादी जाती है उतने लोगों तक आपके यू नो ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचती है तो हम सब लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहेंगे जिन्होंने इतना प्यार दिया उस टाइम तक हमारे को और अभी तक भी इनफैक्ट वो लोग शादी के विशेष हम लोगों को भेजते रहते हैं तो दिल से सबको थैंक यू बोलना चाहेंगे एंड और क्या बोले उनको यार लाइक इतना प्यार वो हमेशा से देते हैं और टेली रिपोर्टर्स के जितने भी यू नो व्यूअर्स हैं उनको भी हम लोग थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आप लोग हमेशा से हमारे साथ रहे हम लोगों की रिलेशनशिप जैसे मीडिया में रही कि अप्स एंड डाउन्स हमेशा आता है कि साथ में रहे वो लोगों के लिए अप्स एंड डाउन्स थे लेकिन जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं वो समझते हैं कि खुद के साथ क्या चल रहा होता है और बाहर क्या दिख रहा होता है तो उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि किसी ने भी रिलेशनशिप को बहुत लाइटली लिया और सब लोग बहुत खुश थे तो वी आर वेरी थैंकफुल वी आर वेरी थैंकफुल टू देम एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी कि यू नो लाइक यू नो एवरीवन या ब्लेस्ड अस एंड यू नो सब बहुत खुश थे सो आई थिंक देयर हैप्पीनेस मैटर्स द मोस्ट इट वॉज अ वेरी बिग सेलिब्रेशन फॉर टू डेज एंड सबकी फैमिलीज मतलब रोहित की फैमिली एंड मेरी फैमिली वी वर ऑल एवरी वन वॉज सो हैप्पी एंड दैट्स वॉट दैट मैटर्स टू मी द मोस्ट एंड इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू सो या what changes happened after marriage? Like what is the difference from bachelor to being married? I have to ask you this question. I don't think so. I think I have already answered that. This ki कुछ इतना डिफरेंस मुझे लगता नहीं कि आया इनफैक्ट ये हो गया कि एक जगह ऐसी होती थी जहाँ पे शीना मेरे साथ नहीं जाती थी जिम तो अब हम लोग जिम पार्टनर्स भी बन गए हैं सो ये मेरे लिए एक और एडेड एडवांटेज हो गया है आफ्टर वेडिंग 100% एडवांटेज आई थिंक शी इज वेरी लकी आई थिंक एक्चुअली बहुत चेंजेस होते हैं किसी लड़की की लाइफ में व्हेन शी गेट्स मैरिड शी लीव्स हर एंटायर फैमिली एंड कम्स टू द गाइज हाउस सो इट्स वेरी इजी टू से बट देर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन माय लाइफ लाइक राइट फ्रॉम शेयरिंग माय कबर्ड नाउ विथ हिम विच इज द हिज कबर्ड्स या दैट्स द थिंग दोज आर हिज कबर्ड्स बट आई एम शेयरिंग माइंड टू गिव हिम सम साइड ऑफ द कबर्ड So a lot of things, yeah, like apni family ke saath there is a different comfort level. Constantly you're yapping with your family members and they know how you are and it's very different. Sometimes you feel that you have to make a lot of adjustments as a girl and there are a lot of changes in a girl's life. And I think you have to adjust and aapko bahut cheeze... You have to adjust and I do adjust. तो आपको बहुत आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ जाते हैं नो बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक बहुत जगह पे माय मॉम हैड ऑलवेज सेड दैट बहुत जगह पे लड़की को चुप रहना पड़ता है सो और एक जगह तो चुप रहे नहीं नहीं मैं एक्चुअली क्या होता है हर जगह मैं चुप जैसे टेबल है तो थोड़ा सा पाँव मारना पड़ता है इसको अगर मैं ऐसे बैठा हूँ तो हल्का ये करना पड़ेगा इसको चुप करने के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स है लाइक उनको ऐसे प्रेस करना इन बिटवीन पीपल बट आई वुड वांट टू से दैट आई हैव एडजस्टेड अ लॉट इवन इन द रिलेशनशिप एंड नाउ आल्सो एंड
accepting someone's family and treating them like yours and feeling that love and warmth and giving them that love and warmth which you will receive back. I think mere mother-in-law, father-in-law ko main jitna pyar deti hu, I receive that back from them. So I think that is a huge adjustment because you're giving your love to so many more people. And apart from that also bahut changes hote life mein. 50 जगह लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है, चुप होना पड़ता है, यू नो, काम कंपोज होना पड़ता है. आई माइट बी वेरी लाउड लाइक दिस, बट व्हेन आई एम होम एंड व्हेन आई एम कुकिंग एंड व्हेन आई एम डूइंग अदर थिंग्स एंड एवरीथिंग, सो यू नो यू रियली गेट कंपोज. एंड यहाँ तो आप बोलते हो माँ ये करो, माँ वो कर दो, तो आपकी मम्मी कर देती है. यहाँ आपको भी करना पड़ता है अलॉन्ग विद हेल्प इन द हाउस. सो या दैट्स इट. हम लोग 6 साल से साथ में है. एंड जैसा बोला शीना ने भी कि एडजस्ट करना पड़ता है साथ में, क्योंकि जनरली क्या होता है कि लड़की जो है अपना घर छोड़ के आती है. मैं ऑलरेडी 12 साल पहले अपने मॉम डैड को छोड़ के बॉम्बे आ चुका हूँ. दे यू नो दे कम ऑफ एंड ऑन टू बॉम्बे, बट फिर भी हम दोनों अभी साथ में ही रहते हैं. पहले भी हम लोग बहुत टाइम स्पेंड करते रहे. शादी के बाद ये होता है कि हर चीज़ में दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है. दोनों के डिसीजंस, दोनों के अग्रीमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं. दोनों के अग्रीमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं. इनके सिर्फ एक ही डिमांड है कि इनको घर में पिंक कलर चाहिए. तो मैं बोला जब भी मैं खुद का अपना घर खरीदूंगा तो मैं पिंक कलर करूंगा. नहीं 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 नहीं, दिस हाउस, दिस हाउस में तो कुछ तो नहीं हो सकता. नो चांस. कुछ चीज़ तो मेरे लिए छोड़ दें. इट्स अ वेरी नाइस एम्बियंस, नाइस एम्बियंस, एंड आई थिंक द फूड वाज रियली नाइस. फूड वाज रियली नाइस. Also, they were very sweet to us. A very nice place, as you can see. बहुत अच्छे से बनाया हुआ है और हमको बहुत ही VIP lounge मिला, तो हम तो उसके लिए तो और भी ज़रा खुश हैं. It's a very nice place. We'll again come back here. And beer lounge is a very nice place. It's well decorated. Beer house. Beer cafe. See, beer cafe is a very nice place, and you should come here. And the feel is very nice of the place, and the food is also very nice. An amazing hospitality. I also enjoyed it. आप लोगों के साथ भी बहुत मज़ा आया. एंड हम लोग फिर से कोशिश करेंगे कि फिर से हम लोग आप लोगों के साथ में आएँ. टेली रिपोर्टर के सारे दर्शकों को हैप्पी वैलेंटाइंस डे, एंड सेलिब्रेट योर वैलेंटाइंस डे विद योर लव्ड वंस, विद योर फैमिली, एंड बी हैप्पी, स्माइल एंड स्पार्कल. एंड टेली रिपोर्टर्स के दर्शकों को हम लोग यही बोलना चाहेंगे, सारे व्यूअर्स को, कि अपना वैलेंटाइंस डे अपने लव्ड वंस के साथ सेलिब्रेट करो, जैसा शीना ने बोला. एंड इट इज़ लाइक ए फेस्टिवल ओनली, सो कोशिश करो कि मॉम डैड को भी आप लोग उतना ही प्यार दो. ऐसा नहीं हो कि वैलेंटाइंस डे है तो घर से बाहर निकल गए और पूरे दिन एंजॉय कर रहे हो. सो बी एट होम ऑल्सो, उनको भी प्यार दो, उनको भी बहुत ज़रूरत होती है प्यार की. सो डोंट इग्नोर योर पेरेंट्स, अपने लव्ड वंस के साथ साथ अपने घर वालों का भी ध्यान रखें. और हम लोगों को ऐसे ही प्यार देते रहें और हम लोग भी आपको इसी तरह से प्यार और एंटरटेन करते रहेंगे.